तो दोस्तों यहाँ पर YouTube की तरफ से 5 नए कमाल अपडेट निकल के आए हैं और ये अपडेट जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए निकाले गए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाए इस वजह से। और पहले YouTube काफी अपडेट निकाल चुका है डेस्कटॉप मोड के लिए, अब यहाँ पर मोबाइल पे वो ज्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि काफी क्रिएटर है जो कि मोबाइल का ही यूज करते हैं इस वजह से। तो फ्रेंड्स अपडेट काफी जबरदस्त होने वाली, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली इस वजह से, तो वीडियो को अभी लाइक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पर YouTube काफी सारे अपडेट निकालता जा रहा है और यहाँ पर जो 5 अपडेट में बताने वाला हूं उसमें से कुछ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहां पर। तो उन पहला वाले अपडेट के बारे में बात कर लेता हूं और वो है कमेंट सेक्शन को लेके। तो फ्रेंड्स यहां पर जब भी पहले अपन किसी वीडियो के नीचे कमेंट में जाते थे तो वहां पर अपन को दो ऑप्शन देखने मिलते थे, एक तो था टॉप कमेंट का और उसके साथ जो दूसरा ऑप्शन था वो आता न्यूएस्ट फर्स्ट कमेंट, यानी कि जो भी मतलब लेटेस्ट कमेंट करता था उनका। तो वहां पर अपन को तीसरा ऑप्शन नहीं देखने मिलता, लेकिन अब यहां पर आपको एक तीसरा ऑप्शन देखने मिलेगा जो कि टाइम्ड वीटा का, यानी कि जब भी कोई व्यूअर्स देखता है किसी वीडियो को तो वो क्या है टाइम स्टैम्प डाल देता है उस पर, यानी कि एक तरीके का टाइम मेंशन कर देता है कि भाई इस टाइम पे ये वीडियो में ये मतलब पार्ट है जो कि नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है या कोई मतलब काम का है तो वो टाइम स्टैम्प डाल देता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर टाइम्ड वाले पे जो क्रिएटर रहेगा वो टाइम्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेगा तो उससे पता चल जाएगा कि भाई जितनी भी सारी कमेंट है उनमें टाइम स्टैम्प किस किस ने डाला है, जिससे उन पे वो कोई मतलब कमेंट या रिएक्शन दे सके। तो ये काफी अच्छा अपडेट लगा, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बताते हुए चलना। उसके अलावा दूसरा अपडेट निकाला गया है वो चैनल परमिशन को लेके। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले अपन क्या होता था, यानी कि ये चैनल परमिशन अपन को डेस्कटॉप मोड पे देखने को मिलता था, यानी कि जब भी अपन डेस्कटॉप मोड में किसी मतलब कोई अपना जानकार है या कोई अपन को बोलता है भाई कि मैं आपके चैनल पे आपकी हेल्प करूंगा इस वजह से, तो अपन उनको परमिशन देते थे, बस आपको मेल डालना होता था उसका, उसको परमिशन चली जाती थी और जैसे ही परमिशन ले लेता चैनल की तो उसके बाद मैं अपने चैनल की काफी चीजों को मतलब एडिट कर सकता था, यानी कि वीडियो को मेंटेन कर सकता था, मेटा डाटा वगैरह चेंज कर सकता था या फिर चैनल की सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकता था। अब ये ऑप्शन पहले डेस्कटॉप में था, अब यहां पर आपको अब मोबाइल वर्जन में भी देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं तो यहां पर प्रॉपर आपको यूट्यूब ऐप में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वाइट स्टूडियो की जो ऐप होती है उसमें आपको मिल सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। एक तरीके का ये भी ट्रायल चल रहा है इसका, यानी कि अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये अपडेट अभी निकाला नहीं गया है। तो यहां पर इसी तरीके का ये अपडेट जल्दी आने वाला है जो कि यूट्यूब ने खुद मतलब मेंशन मतलब बताया है जो कि क्रिएटर स्टूडियो सॉरी यूट्यूब का एक जो चैनल है उसके थ्रू, ठीक है। अब यहां पर इससे अगले वाला अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, तीसरे वाले अपडेट को लेकर, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर, यानी कि जब भी अपन किसी वीडियो को पब्लिश करते हैं अपलोड करते हैं उस टाइम पे अपन को मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है और अपन अपनी वीडियोस को खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेट दे सकते थे। ये यूट्यूब ने कुछ टाइम पहले अपडेट निकाला था, उससे क्या होता था कि जब भी अपन की वीडियो पे अपन के जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली रहती थी वीडियो तो उस पर ग्रीन डॉलर हो जाता था सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की वजह से। अब यहां पर आप क्या करोगे कि कई लोग क्या कर देते हैं भाई ज्यादा अर्निंग या फिर ग्रीन डॉलर की मतलब ग्रीन डॉलर करने की वजह से तो वो वहां पर गलत मतलब बता दिया करते थे। अब यहां पर आपको ज्यादा मतलब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अब आप दो बार गलती कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब आपको टाइम देगा 90 डेज का, यानी कि दो बार आप वहां पर ये मतलब गलती कर सकते हो जो कि खुद से सेल्फ सर्टिफिकेशन देके कि आपकी वीडियो को येलो डॉलर मिलना चाहिए फिर डॉलर ही नहीं मिलना चाहिए और आपने उसको ग्रीन डॉलर दे रखा है, तो उसके बाद में अगर आप दो गलतियों से ज्यादा करोगे तो यूट्यूब आपको पनिश करेगा, तो ये गलती आप आगे से अब नहीं करोगे। तो यहां पर अगला अपडेट जो निकाला गया चौथा अपडेट वो है स्विच एप्स को लेके। तो फ्रेंड्स यहां पर जब भी अपन जो अपनी वीडियोस की लाइब्रेरी होती है उनमें अपन किसी वीडियो को लिंक पर किसी वीडियो को लिंक पे जाते हैं तो वहां पर अपन को एक एडिट का ऑप्शन मिलता है और जैसे ही अपन उस वीडियो को एडिट करते हैं तो वो अपन को जो कि वाई टी स्टूडियो में ऐप में पहुंचा देता है और वहां से अपन उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये पहले फीचर नहीं था, अब आपको वाई टी स्टूडियो में पहुंचा देगा तो वहां से आप उस वीडियो को ज्यादा एडिट कर पाओगे क्योंकि यूट्यूब ऐप्स में इतना ऑप्शन नहीं मिलता है। तो एक तरीके का ये स्विच किया है जिससे आप मतलब दोनों एप्स को मतलब मिला के काम अच्छी तरीके से कर सको, यानी कि आपको अलग से मतलब ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई वाई टी स्टूडियो खोलू या फिर यूट्यूब ऐप खोलू, तो वो आपस में स्विच हो जाएंगे जिससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये भी क्रिएटर जो एडिट करते हैं या फिर एडिटिंग मतलब जरूरत लगती है उनको किसी किसी वीडियो में। उसके अलावा यहां पर जो अगला अपडेट है वो यूट्यूब वाई टी स्टूडियो जो ऐप होता है उसके अंदर निकाला गया और वो अपडेट किया गया यूट्यूब वाई टी स्टूडियो के इंटरफेस में, यानी कि पहले जो इंटरफेस दिखता था यानी कि वो थोड़ा अलग दिखता था, वहां पर ग्रीन डॉलर जो होता था वो पूरा ग्रीन दिखता था, अब आपको बस ग्रीन डॉलर ही दिखे येलो ग्रीन डॉलर दिखेगा। उसके अलावा यहां पर आपको टाइम भी मेंशन किया गया कि ये वीडियो आपकी कब पब्लिश हुई है वो पहले नहीं बताता था, और भी काफी सारे हैं जो कि आप वहां से मतलब देखने को मिल
मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो आप अगर वीडियो में जाते हो किसी में तो वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, विजिबिलिटी या फिर आपकी वीडियो पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है, तो वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये पहले नहीं था YG स्टूडियो में, अब जाके मतलब ऐड किए गए नए ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो आपकी वीडियोज पे जो लाइक और डिसलाइक थे उसमें से डिसलाइक को हाइड कर दिया, अब आपको डिसलाइक वगैरह वहीं पर नहीं देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ 5 अपडेट ये निकले हैं यूट्यूब के, मैंने आपको सारे समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे अपडेट समझ में आ गए, कुछ अपडेट आपको पसंद आए या फिर नहीं आए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, जिससे पता चले हर किसी को भाई ये अपडेट आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हो। वीडियो आपको पता है अच्छी लगी कि नहीं, मुझे पता है अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।